हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा 12वीं विषय हिंदी 6 फरवरी 2024 का पहला पेपर 6 तारीख से पहले होगा वायरल। इस वीडियो में हो जाओ सभी पास। पेपर में क्या आने वाला है, कौन से प्रश्न आएंगे, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पेपर कैसा आएगा, क्या आने वाला है पेपर में, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो आ जाइए लाइव क्लास में, और सभी लाइव क्लास में आने के बाद दोस्तों, जो जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में आ चुके हैं कमेंट करके बता दे, और जो दोस्त लाइव क्लास में आ चुके हैं इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चों हिंदी का पेपर 23 प्रश्न रहेंगे, 80 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा, 80 नंबर में से कैसे आप 80 नंबर लेकर आओगे इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। यूँ मान के चलिएगा कि पेपर से पहले आपने पेपर अपनी मुट्ठी में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी लाइव क्लास में रहिएगा, छोड़कर कोई नहीं जाएगा, नहीं तो फिर मत बोलिएगा मेरे से कि हमें तो पेपर मिला ही नहीं था। स्टूडेंट्स आइए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, और घंटी की बटन कॉल पर जरूर रखना, और जो जो दोस्त लाइव क्लास में आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि पता चल सके कितने दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। बच्चों जो पतंग कविता है आपके पाठ में, वो किसके लिए प्रतीक है, तो बताइए प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, या व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ पर एक बच्चा, जो भी हमारा लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, जितने भी जुड़ रहे हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दो। तो यहाँ पर आपका होगा बिंब विधान के लिए। इस लाइव क्लास में मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार और दमदार तैयारी करवाऊंगा। बच्चों बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न, कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा वीर रस। वीर रस का जो इत्साई भाव है वो हो जाएगा उत्साह। छाप के रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा घुमा के फिरा के। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो बच्चों बाजार दर्शन का जो केंद्रीय भाव है वो है बाजारवाद। बाजारवाद आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब बताइए मुझे, इस बाजार दर्शन पाठ को लिखने वाले कौन है, जल्दी से बताइए। देखता हूँ कौन सबसे पहले जवाब देता है, जल्दी से बता दीजिए। देखता हूँ कौन कमेंट करके सबसे पहले बताएगा कि बाजार दर्शन पाठ किसने लिखा। ठीक है, अगर जो बच्चा चाहिए कि बाजार दर्शन पाठ सर आप बताएं, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, कि बाजार दर्शन पाठ किसने लिखा, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। तो ये जो बच्चों, वो अच्छा खेला परंतु हार गया, ये जो वाक्य है आपका वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य आपका करेक्ट होगा। जी बच्चों आपने, हाँ बिल्कुल, वाक्य आपने पढ़े होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये आंसर सही होगा। मैं आप लोगों का इंतज़ार भी किया करूँगा, 1 से 2 सेकेंड आप सभी बच्चे मुझे जवाब दें। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोटार किसके काम आता होगा। चलो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों का, मुझे जवाब दीजिए।
तो आपका कमेंट बच्चों अभी तक नहीं आया, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मेरे सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, जितने भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोटार काम आता था बच्चों अनाज जमा करने के लिए। अनाज जमा करने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर जो पत्रकार का प्रकार नहीं है, बताइए पूर्णकालिक नहीं है या अंशकालिक नहीं है या संवाददाता नहीं है या फ्री लॉन्सर नहीं है, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है, जल्दी से बताइए मुझे। सभी बच्चे कमेंट करते रहें, कोई भी बच्चा कमेंट करने से ना चुके। अगर कमेंट करते रहेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर भी सभी याद होते रहेंगे। तो बिल्कुल बच्चों इसके आंसर जो होगा वो होगा संवाददाता। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करना है। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो यहाँ पर जो खाली स्थान में आएगा वो आ जाएगा भाषा। भाषा आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार काल का अन्य नाम है? तो श्रृंगार काल का जो अन्य नाम है वो रीति काल भी हम उसे कहते हैं। काव्य में बिंब को माना जाता है, तो काव्य में जो बिंब को माना जाता है वो माना जाता है बिंब चित्र। बाजार में एक है जादू है, क्या है बच्चों? जादू। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे कहते हैं शब्द युग्म कहते हैं। तो जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो बच्चों उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। आप लोगों की देखा-देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई सुस्त हो गई। अगला क्वेश्चन, संपादकी को आवाज़ माना जाता है, तो आम जनता की क्या माना जाती है? आवाज़ मानी जाती। आ जाओ बच्चों जोड़ी पर, नंबर 3 है जोड़ी, ठीक है। जोड़ी मिलाएंगे और जोड़ी इतनी अच्छी तरीके से मिलाएंगे कि आपने इससे पहले कभी जोड़ी नहीं मिलाई होगी बच्चों। चलिए सभी क्वेश्चनों को पहले क्या करेंगे, इधर वाले अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है, इधर वाले लिख दो, उसके बाद में इधर हम सही मिलाएंगे, ठीक है। आप सभी उतार दो इनको, उतारने के बाद जोड़ी कैसे मिलाएंगे आप? कविता के बहाने, इसका राइट आंसर हम यहाँ लिखेंगे सामने, तो कविता के जो बहाने हैं इसको हम मिलाएंगे बच्चों, कविता के बहाने। ये जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा बच्चों कुंवर नारायण। तो कविता के बहाने के सामने यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? कुंवर नारायण। महाकाव्य, महाकाव्य जो है वो कामायनी है, भक्तिन महादेवी वर्मा ने पाठ लिखा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। जूझ जो है इसका लेखक जो है डॉक्टर आनंद यादव। और विशेष रिपोर्ट का प्रकार जो होता है बच्चों, विशेष रिपोर्ट का प्रकार जो होता है इसमें आपको जो मिलाना रहेगा वो रहेगा बच्चों 3, इसमें आप लगाओगे। विशेष रिपोर्ट का जो प्रकार होता है वो कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी सारी जोड़ी क्या कर जाएगी? मिल जाएगी। इसको कविता के बहाने कुंवर नारायण, महाकाव्य जो है कामायनी है और भक्तिन महादेवी वर्मा से मिलेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8, जूझ आनंद यादव और विशेष रिपोर्ट का प्रकार 3। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत कलवर वाले काव्य को क्या कहा जाता है? प्रबंध काव्य। क्या कहा जाता है? प्रबंध काव्य या महाकाव्य भी हम आ जाएंगे, क्योंकि महाकाव्य इसी का भेद है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? आंसर हो जाएगा 1। और बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तंग। तो ऐसे लिख देंगे आप, बद्री केदार के रास्ते तंग हैं। और गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, ये होगा आंसर इसका, थोड़े में अधिक कहना। क्या लिखोगे? थोड़े में अधिक कहना। और रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू को किसने शरण दी? तो किशन दा। आपका आंसर क्या होगा? किशन दा,
है ना, क्योंकि वो अपने आदर्श किसे मानते थे, किशन दा को मानते थे। और अगला क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए H का मतलब होता है हाइपर, H का मतलब क्या होता है हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, और M का मार्कअप, मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, L का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का नाम बता देंगे अभी लास्ट में आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं जबकि बजा देते हैं, तो ये आपका वाक्य क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है असत्य लिखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है गेम उक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, तो सत्य कहा जाता है, जहाँ पर हम राइट का निशान लगाएंगे वहाँ क्या लिखेंगे आप, सत्य, ठीक है सभी ध्यान से देखिएगा। शिरीष को अवधूत कहा गया है, सत्य। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य। और मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य। और नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना, तो ये असत्य हो जाएगा, इसमें सत्य लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसे निशान नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा अगर गलत हो जाएगा अगर ऐसे निशान पर, हम समझाने के लिए आपको लगा रहे हैं ना, जिससे अपने समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। अब पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हैं आप बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को हम टेलीग्राम पर देंगे आपको, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इतना कर लिया और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इन्हीं क्वेश्चन पेपरों को अच्छे से देखिए, आप बहुत अच्छा करोगे बच्चों अगर आपने इन प्रश्नों को किया, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कुछ और सभी क्वेश्चनों के आंसर। अगर बच्चों आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम से पर जुड़ना है, पहले टेलीग्राम से जुड़ना है, वहीं पर मैं दूंगा, क्योंकि वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो में टाइम लगता है, आपको सिर्फ PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या हमारा चैनल का जो नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, वहाँ लिख दीजिएगा आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और इनमें से जो प्रश्न आप बोलेंगे, जो भी बोल देना, मुझे कमेंट करके बता देना कि प्रश्न नंबर 16, 15, 11, 13, 2, 1 जो भी प्रश्न आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको हम सेंड कर देंगे, बताएंगे ना बच्चों, जो चाहिए आप बता दीजिएगा, हमने आंसर लिख रखे हैं इनके, हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए बच्चों हम यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों सभी आंसरों को, तो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 पूरी सही से निकल सके, ठीक है। चलिए बच्चों, तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी भाई बहनों को, शेयर कर दीजिए वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने ग्रुप में, सभी में भेज दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।